वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 12.6। जो अवकल समीकरण अपनी चल रही थी इसकी प्रश्नावली 12.6 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन ने जब अवकल समीकरण को हल करना सीखा था प्रश्नावली 12.4 में, तो प्रश्नावली 12.4 में अपन ने क्या किया था कि चरों का पृथक्करण किया था, अक्ष वाले अलग और वाई वाले अलग, और उनका फिर समाकलन करके अपन ने अवकल समीकरण को हल कर लिया था। उसके बाद आए अपन प्रश्नावली 12.5 में, तो उसमें अपने को ध्यान आया कि अपन अक्ष वालों को और वाई वालों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम अपने को एक पैटर्न ऐसा फिक्स मिला कि कहीं ना कहीं या तो अक्ष प्लस वाई हर जगह आ रहा था, या अक्स माइनस वाई हर जगह आ रहा था, या कुछ ना कुछ हर जगह अपने को दिख रहा था। तो उसकी जगह मैंने वी पुट कर लिया। उसके बाद वी पुट करने के बाद अपन ने क्या किया, जब वी और अक्स के पदों में अपने को क्या मिला, एक समीकरण मिला, तो उनको अपन ने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। जो वेरिएबल्स है उनको अपन ने सेपरेट कर लिया, अक्स वाले अलग और वी वाले अलग। ऐसे ही अपन यहां करेंगे। अपने को ध्यान आएगा कि मैं अक्ष वालों को और वाई वालों को अलग नहीं कर पाऊंगा, किसी भी कंडीशन में अपन अलग नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक नया तरीका खोजा था, उसमें भी अपन ने यही काम किया था कि पहले कोई सा भी समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, उसको dy अपॉन dx के बराबर में रखना। उसको समीकरण एक दिया था मैंने प्रश्नावली 12.5 में भी, यदि नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, यदि वो देखोगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगी। तो देखो, तो सबसे पहले मैं काम यही करूंगा कि पूरा dy अपॉन dx के बराबर में लाता हूं। तो लाऊं तो क्या करूंगा, ये अक्स स्क्वायर वाई डीएक्स ये बराबर में आ जाएगा भाई, अक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये क्या हो गया भाई dy। तो मैं क्या करूंगा, dy अपॉन dx के फॉर्म में बढ़ाता हूं इसको, dy अपॉन dx के फॉर्म में। तो देखो ये dx इधर आ जाएगा, अरे dy तो है ही है, तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर y और बटा x क्यूब प्लस y क्यूब। dy अपॉन dx तो बना लिया, लेकिन अपने को यहां कोई भी फिक्स पैटर्न अपने को नहीं मिल रहा कि हर जगह वही हो, कुछ भी नहीं मिल रहा अपने को। तो मैं क्या काम करता हूं, तो देखिए मैं ऐसा काम करता हूं कि ऊपर तो अक्ष स्क्वायर वाई है, ठीक है, मैं क्या करता हूं इसमें से अक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं। तो अक्स क्यूब कॉमन लेऊंगा, तो अक्स क्यूब कॉमन लेऊंगा तो बचेगा क्या, एक प्लस वाई क्यूब बटा अक्स क्यूब, उससे होगा क्या, तो वो अपन देखेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं देखो अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा एक अक्स, तो आ जाएगा कितना भाई, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा अपना वाई बटा अक्स और बटा वन प्लस वाई बटा अक्स का होल क्यूब, में इसको लिख सकता हूँ वाई बटा अक्स का क्या लिख लिया मैंने, इसका होल क्यूब। अब आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि हर जगह अपने को क्या मिल रहा है, वाई अपॉन अक्स। जैसे हर जगह x प्लस वाई था, वैसे यहां हर जगह अपने को क्या दिख रहा है, y बटा x दिख रहा है। तो इस y बटा x को अपन v मान लेंगे और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो y बटा x है इसको क्या मान लेता हूं, v। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि dy अपॉन dx है, y का किसके सापेक्ष अवकलन है, x के सापेक्ष। तो इधर जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी पद होंगे, वो सभी y अपॉन x के पदों में होने चाहिए, और है तो अच्छी बात है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैंने क्या बताया अब कि इसको y अपॉन x, जो भी आपको हर जगह दिखाई दे y अपॉन x दिखाई दे रहा, तो इसको मैं क्या मान लूंगा भाई, और इसको तो समीकरण एक देना, ये तो फिक्स है पैटर्न, उसमें भी अपन ने यही काम किया था 12.5 में। मैंने क्या किया, इसको क्या मान, सॉरी y अपॉन x को मैं क्या मान लूंगा भाई, v। उससे क्या होगा, देखो v मानते ही ये y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा अपना vx, ठीक है। y बराबर कितना हो गया भाई, vx हो गया, और फिर आगे सोल्व करोगे, देखो ये हो गया y बराबर vx, y का x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। तो करोगे तो y का x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो v तो अपना, अरे u डॉट v से एक बार v कॉन्स्टेंट, v कॉन्स्टेंट x का करोगे तो एक, और एक बार x कॉन्स्टेंट v का करोगे तो dv बटा dx। तो ये मान मैं कहाँ रख देता हूँ, dy अपॉन dx का मान हमेशा
समीकरण एक में रख देना है, तो मैं रख दूंगा यहां, तो रखता हूं, तो क्या आएगा भाई, तू उसकी जगह रख देता हूं मैं, वी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, इसको मैंने क्या मान लिया था भाई, तो इसको मैंने वी मान लिया था, बटा वन प्लस वी क्यूब हो गया। अब कर लीजिए, देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर वी बटा वन प्लस वी क्यूब, और ये आकर के माइनस वी हो गया। यहां करोगे एक्स डी वी बटा डी एक्स, एलसीएम ले लीजिए आप, वन प्लस वी क्यूब कट गया, तो आएगा क्या वी, माइनस आएगा वी, और माइनस वी की घात चार, ये कटा, आया क्या एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर माइनस वी की घात चार बटा वन प्लस वी क्यूब। अब कर सकते हैं, v वाले अलग कर सकते हैं, एक्स वाले अलग कर सकते हैं, तो मैं कर लेता हूं। देखो dv ऊपर है तो सबको ऊपर ही रखना, v वालों को शुरू से करते आए हैं, तो देखो इसको ऊपर ही रखूंगा, देखो dv ये इधर उल्टा आ जाएगा, वन प्लस वी क्यूब बटा वी की घात चार, और बराबर ये माइनस तो है, इस dx को मैं ऊपर ले आता हूं, और ये x भी इधर आ जाएगा, तो एक बटा x। अब क्या कर देता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन, तो करोगे इसका तो कैसे करोगे, तो पहले आप अलग अलग बटा में ले लीजिए, एक बटा वी की घात चार और डी वी प्लस इसके बटा में लोगे तो वी की क्यूब से वी की घात चार कट जाएगा, तो बचेगा कितना, एक बटा वी डी वी और बराबर माइनस एक बटा अक्स डी एक्स। मैं समाकलन एक साथ करूंगा सभी का, क्योंकि कॉन्स्टेंट मेरे को लगाना है, तो सभी का एक साथ लगाऊंगा। तो इसका जब करोगे तो इसको मैं एक बटा वी की घात चार है, तो ऊपर जाएगा तो वी की घात हो जाएगी माइनस चार, तो अब कर लेता हूं मैं समाकलन, तो क्या हो जाएगा इसका, तो भाई वी की घात माइनस चार प्लस एक, अरे जैसे एक्स की घात एन का होता है, एक्स की घात एन प्लस एक बटा एन प्लस एक, तो इसका भी मैं ऐसा ही करता हूं, वी की घात माइनस चार है, तो वी की घात माइनस चार प्लस एक और बटा माइनस चार प्लस एक, और प्लस इसका करोगे तो वन अपॉन वी का लॉग वी माइनस वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। हल कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है तो इसको हल कर लेते हैं, तो देखो यहां पर क्या है, वी की घात कितने आ जाएगी, माइनस तीन बटा माइनस तीन, और ये हो गया अपना लॉग वी बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, अरे माइनस ऊपर लिख दिया, इसको नीचे ले आते हैं तो वी की घात हो जाएगा तीन और प्लस लॉग वी, और इसको ही बराबर के पहले ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस बराबर में क्या बचेगा भाई, तो बराबर में बचेगा सी। अब यहां क्या कर लेता हूं मैं, वी का मान रख लेता हूं, काम खत्म। तो देखो माइनस एक बटा तीन वी का मान रखता हूं, तो वी का मान कितना था भाई, देखो यहां रखा था अपने वाई बटा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब बटा एक्स क्यूब, बटा एक्स क्यूब का चला जाएगा ऊपर, यहां मान रखोगे v का मान रखोगे तो v का मान क्या था y बटा x और प्लस log x बराबर c, तो यहां से क्या हो गया ये माइनस का x क्यूब, कोई बात नहीं पढ़ा रहेगा, यहां मैं फॉर्मूला लगा देता हूं किसका, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log m गुणा n, यही तो होता है, अरे लॉग एम प्लस लॉग एन का लॉग एम एन हो गया, और बराबर इसको इधर ले आता हूं सी प्लस क्या हो जाएगा भाई एक्स क्यूब बटा तीन वाई क्यूब, एक्स एक्स तो कट गया ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या भाई लॉग वाई बराबर सी प्लस एक्स क्यूब बटा तीन वाई क्यूब, ये इसका क्या हो गया आंसर। और यदि इसको आगे करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि दोनों को किसकी घात में ले लीजिए, दोनों को एक ही घात में ले लोगे तो ये ई से लोग कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई बराबर ई की घात सी प्लस एक्स क्यूब बटा तीन वाई क्यूब, तो इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर दो, तो प्रश्न नंबर दो इस प्रकार से दे रखा है, तो अपने को तो इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी टर्म्स में क्या आ रहा है भाई वाई बटा एक्स अपने को दिख रहा है, और पूरा का पूरा जो समीकरण है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर में होना चाहिए, और है भी, देखो पूरा का पूरा किसके बराबर में है भाई डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर में है, तो इस क्वेश्चन से आपके हर एक चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखनी, मैंने क्या बोला था, पहला तो काम डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर में रखना पूरा ही, तो पूरा ही डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर में है,
दूसरा काम क्या करना कि अपने को चेक करना कि सभी में सेम पद आ रहा है क्या, y अपोन x आ रहा है हर जगह। और यदि यहां dy अपोन dx है तो सभी टर्म्स y अपोन x में ही होनी चाहिए, तो है। यदि dy अपोन dx नहीं बनता, इधर x अपोन y दिखता तो इधर dx अपोन dy होता। तो कोई बात नहीं, पहले एक बार अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर जब वो आएगा तो उसको भी अपन सोल्व कर लेंगे कल। बाकी आज का पैटर्न अपना जो चल रहा है वो अपन देखते हैं। देखो y अपोन x अपने को दिख रहा है, तो इस y अपोन x को मैं हर जगह दिख रहा है मेरे को, तो इस y अपोन x को क्या मानूंगा भाई, v मानूंगा। और इसको तो समीकरण एक देना फिक्स है, ये तो पूरा dy अपोन dx के बराबर में लेने के बाद समीकरण एक। अब इसको v बराबर, ये सॉरी y बराबर क्या हो जाएगा भाई, vx हो गया, पूरा y के बराबर में रखना। अब अवकलन कर लीजिए आप x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy बटा dx। और इसका u डॉट v से, तो v कॉन्स्टेंट मान के x का हो गया एक, प्लस x को कॉन्स्टेंट मान करके v का हो जाएगा dv बटा dx। अब इस जो dy अपॉन dx का मान आया है वो मैं इसमें रख देता हूं, dy अपॉन dx का मान आ गया तो मैं रखूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा क्या भाई, v प्लस x dv बटा dx। बराबर इसको मैंने क्या माना भाई, v माना, तो v प्लस साइन इसको भी अपन ने क्या माना है, v माना है। तो अपने को ध्यान आया, क्या ध्यान आया कि v से v तो कट गया, जो बचा वो लिख लेता हूं मैं, x dv बटा dx बराबर साइन वी, वी वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। और एक तरफ कहां, dx को मैं यहां तो रख नहीं सकता, x वाले इधर तो रख नहीं सकता, मैं क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि dx नीचे आ गया, नीचे अपने कोई काम का नहीं है। तो इस dx को नीचे से ऊपर ले आओ तो इधर आएगा, तभी तो ऊपर आएगा, dy पहले से ऊपर है, तो v वाले सारे उधर रखो। तो रखोगे तो देखो dv और ये बटा में आ जाएगा, एक बटा साइन वी, ये हो गया dv बटा साइन वी, और ये dx आ जाएगा ऊपर और x भी आ जाएगा नीचे, अरे x आ गया नीचे, तो एक बटा x। तो दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए भाई, समाकलन कर लीजिए, तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करोगे तो इसको तो आप क्या लिखोगे भाई, अरे वन अपोन साइन हो गया कोस एक, और ये वन अपोन एक्स का तो मैं कर ही लूंगा डी एक्स, है ना। देखो कोस एक वी का, आपको ध्यान होगा कोस एक एक्स का, एक्स के सापेक्ष जब करते हो तो क्या आता है भाई, तो इसका आता है लोग कोस एक एक्स माइनस कोट एक्स, ये वी है तो कोस एक वी माइनस कोट वी, कोस एक एक्स का लोग कोस एक एक्स माइनस कोट एक्स, मैंने करवा रखा है समाकलन की प्रश्नावली में। और इधर जब करोगे तो वन अपोन एक्स का हो जाएगा भाई लोग एक्स, ये लोग में तो मैं जो उत्तर लेता हूं वो भी किस में ले लेता हूं, अरे जो कॉन्स्टेंट लूंगा तो वो भी मैं किस में ले लेता हूं, लोग में ले लेता हूं, बाकी नहीं लोगे तो भी अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, और ले लोगे तो भी अपना आंसर सही है। तो जैसे भी आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको पैटर्न बताया था प्रश्नावली 12.4 में कि लोग लोग हर जगह लोग दिखाई दे रहा, तो जो कॉन्स्टेंट होगा तो उसको भी मैं किस में ले लूंगा, लोग में। बाकी ऐसा करना जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये तो इसलिए ताकि अपना जो आंसर है वो थोड़ा ठीक प्रकार से आ जाए। ठीक प्रकार से मतलब थोड़ा सुंदर सा दिखाई दे, सुंदर सा देखने का मतलब कि अपना बटावटा में कुछ आए नहीं, अजीब अजीब सा नहीं दिखे, इसलिए वो ले लेता है। बाकी नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। देखो जैसे सी कॉन्स्टेंट था तो लोग सी भी तो कॉन्स्टेंट ही है, कोई नया कॉन्स्टेंट बन गया, सी का मान चेंज तो होगा, है तो कॉन्स्टेंट ही, तो इसका मान अपने को पहले नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है, तो कुछ भी रखो चाहे ना। तो लोग था तो इसको मैंने कॉन्स्टेंट को लोग सी ले लिया, ठीक है। अब देखो ये तो है लोग क्या है भाई, कोस एक वी का मान में रख देता हूं, तो वी का मान में रखूंगा तो क्या है भाई, वाई बटा एक्स माइनस कोट वाई बटा एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये लोग एम प्लस लोग एन, तो लोग एम एन हो गया, लोग एम एन हो गया, ठीक है। लोग से लोग कट गया,
इसे काटना नहीं है, बस कट गया तो ये हो गया भाई कोसेक वाई बटा अक्स माइनस कोट वाई बटा अक्स बराबर सी एक्स। तो ये इसका क्या हो गया एक्यूरेट आंसर। यदि आप फिर भी चाहते हो कि मैं तो इसको आगे सोल्व करूंगा तो इसको अपन साइन कोस में चेंज करके आगे सोल्व कर सकते हैं। यदि आप करना चाहो इसको आगे सोल्व, बाकी इतना भी बिल्कुल क्या है भाई एक्यूरेट है। यदि आगे सोल्व करना चाहते हो तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं। जैसे मैं यहीं से सोल्व कर लेता तो ठीक रहता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहां से सोल्व करके आपको बता देता हूं। तो बताता हूं कैसे सोल्व करना। तो कोस एक अक्ष है, ये मानो कोस एक अक्ष, तो ये हो जाएगा एक बटा साइन अक्ष। बाकी मैंने बोल दिया कि ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इतना करोगे तो इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये भी। बाकी करना ही चाहते हो तो आगे का मैं बता रहा हूं। तो वन अपोन, अरे कोस एक अक्ष का वन अपोन साइन अक्ष। कोट क्या होता भाई, जैसे कोट अक्ष, तो कोस अक्ष अक्ष की जगह यहाँ वाई बटा अक्ष बटा साइन वाई बटा अक्स बराबर सी एक्स। एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा साइन वाई बटा अक्स, इधर आ जाएगा वन माइनस कोस वाई बटा अक्स बराबर सी एक्स। तो जब हल करोगे तो हल करने पर यहाँ फॉर्मूला बनता है, देखो वन माइनस ये कोस अक्स मानो, तो वन माइनस कोस अक्स का, तो वन माइनस कोस अक्स का हो जाएगा टू साइन स्क्वायर अक्स बाई टू, बाई टू करोगे तो बटा दो आ जाएगा, और अरे जब करोगे ना वाई बटा अक्स बटा दो, तो बटा में एक मान लो उल्टा हो जाएगा, तो वाई बटा दो अक्स हो जाएगा। नीचे ये मानो साइन अक्स है या साइन थीटा है, तो साइन थीटा का हो जाता है टू साइन थीटा बटा दो, थीटा बटा दो करोगे तो ये आएगा, अरे इसका बटा दो लगाओगे तो ये तो आएगा वाई बटा दो अक्स, और टू साइन थीटा बटा दो और कोस थीटा बटा दो, और बराबर में क्या है अपने पास में सी एक्स। बाकी जरूरी नहीं आप इतना करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भी अपना बिल्कुल क्या है एक्यूरेट आंसर है ना। ये देखो दो से दो कटा, एक साइन से एक साइन कट गया, तो साइन बटा कोस क्या आ गया भाई, तो यहाँ से आ गया कोट वाई बटा टू एक्स बराबर सी एक्स। ये भी इसका क्या है भाई आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीन। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब यहां देखो आपको y बटा अक्ष तो दिखाई दे रहा है, लेकिन और जगह y बटा अक्ष नहीं है। जो फंक्शन है पूरा का पूरा y बटा अक्ष का होना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। तो अपन क्या करते हैं, और मैंने आपको एक चीज बताई है कि पूरा का पूरा dy अपॉन dx के बराबर में होना चाहिए, मतलब dy अपॉन dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां अक्ष है तो इस अक्ष को हटा देता हूं। तो कैसे हटाओगे, तो पूरे समीकरण में आप अक्ष का भाग लगा दीजिए ये लो में, या ऐसा कर लो कि सबको एक बटा अक्ष के गुणा कर दीजिए। तो एक बटा जब अक्ष से गुणा करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां, आपको नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है। तो एक बटा अक्ष से गुणा करोगे तो ये अक्ष से अक्ष कट जाएगा, बचेगा क्या भाई डीवाई बटा डी एक्स प्लस यहां क्या बचेगा भाई वाई स्क्वायर बटा अक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा वाई बटा अक्स। अब देखो सभी पद अपने वाई बटा अक्स में आ गए डीवाई अपॉन डी एक्स के छोड़कर। तो देखो डीवाई अपॉन डी एक्स, डीवाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई वाई बटा अक्स, और ये माइनस वाई बटा अक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना, तो आपको ध्यान है प्रोसेस कि यहां वाई बटा अक्स दिखाई दे रहा है, तो इसको अपन v मान लेंगे, y बराबर वी एक्स, हर में यही काम हो रहा है, हर एक प्रश्न में यही काम करेंगे। तो y बराबर वी एक्स हो गया, तो डी वाई बटा डी एक्स, इसको समीकरण एक देना, वो भी ध्यान रखना अपन, समीकरण एक देना डीवाई बाई डी एक्स, इसको v को कौन से मान के x का एक, अक्ष को कौन से मान के v का करोगे तो डी वी बटा डी एक्स। तो मैं ये मान समीकरण एक में रख देता हूं, तो रखूंगा, तो यहां क्या है भाई v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, इसको मैंने क्या माना था भाई v माना था, तो v माइनस इसको क्या माना था v, तो v स्क्वायर कटा। अब क्या हो गया, ये बचा क्या अपने पास एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर माइनस v स्क्वायर, v वाले एक तरफ तो v वाले इधर ही रखेंगे अपन, तो इसको इधर ले आइए अपन डी वी बटा v स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह पड़ा रहने दीजिए हमेशा, इधर ही रखना अपने को एक्स वाले की तरफ, और ये क्या हो जाएगा भाई डी एक्स बटा एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इसका तो क्या हो जाएगा, इसको तो पहले आप ऐसे लिखना वी की घात माइनस दो, घात ऊपर गई तो माइनस में आ गई,
dv बराबर माइनस, समाकलन में बाद में करूंगा, एक साथ ही करूंगा दोनों का, है ना। इसका करोगे तो v की घात माइनस दो प्लस एक, माइनस दो प्लस एक, सभी काम समाकलन का है, प्रश्नावली नौ का है, तो इतना तो आपको ध्यान ही होगा। वन अपोन एक्स का लोग एक्स, ये माइनस तो था ही, वन अपोन एक्स का लोग एक्स, प्लस क्या ले लेता हूँ सी। अरे हर जगह लोग थोड़ी है, एक जगह होने से थोड़ी होता है, हर जगह लोग होता तो मैं यहाँ भी लोग ले लेता, केवल इस जगह है तो जरूरी नहीं, अपन तो सी लिख लेते हैं। अब देखो ये क्या हो गया भाई, तो वी की घात माइनस एक और बटा माइनस एक, माइनस एक, तो ये माइनस का लोग एक्स प्लस सी, ये माइनस ऊपर लगा लेता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, और बटा में एक लगाने की आवश्यकता नहीं है। वी की घात माइनस एक, नीचे आके घात वी की घात प्लस की एक हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लोग एक्स प्लस सी। अब जब आगे हल करोगे और तो क्या आएगा, वी का मान रख दीजिए तो माइनस तो है ही है, चलो इसको भी मैं बराबर के बाद भेज दूंगा, ठीक है, इनको भी क्या करूंगा बराबर के बाद भेज लेंगे, ठीक है, तो बराबर के बाद भेजोगे, चलो और इसको इधर भेज देता हूँ मैं, लोग एक्स माइनस का है, उधर आके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, ये लीजिए लोग एक्स बराबर सी, इसको इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का वन अपोन वी, और वी का मान रख देता हूँ, तो वी का मान क्या है, वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स, बटा एक्स कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। पूरे समीकरण को मैं y से गुणा कर लेता हूँ, बाकी यदि इतना रखना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल सही है, बाकी आप आगे करना चाहो तो पूरे को y से गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा भाई, y log x बराबर सी वाई प्लस x, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, और बाकी जो क्वेश्चंस है तो उनको भी आप ट्राई कीजिएगा और आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि पैटर्न मैंने समझा दिया है। एग्जाम्पल्स लेना, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेना, तो सभी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो मैं इसको करता हूँ, तो पहले आपको ध्यान है कि जो dy upon dx है ये अपने को अकेला रहना चाहिए, तो पूरा अपने को dy upon dx के बराबर में रखना है, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो भाग लगा दीजिए या फिर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। अरे आपको ध्यान है, क्या ध्यान है, मैंने आपको अभी बताया है कि dy upon dx के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ देखो पहले एक एक काम कर लेता हूँ मैं, पहले तो क्या आ रहा है भाई, x आ रहा है, तो मैं पहले तो किसका भाग लगा देता हूँ भाई, x का भाग लगा देता हूँ, पहले तो किसका भाग लगा देता हूँ, x का, ये लीजिए, तो पहले तो मैं x का भाग लगा देता हूँ, तो x का भाग लगाऊंगा तो ये तो कट जाएगा भाई, तो आएगा क्या, साइन वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसके बटा में लोगे तो ये हो जाएगा भाई वाई बटा एक्स साइन वाई बटा एक्स, यही तो हो गया, और इसके जब बटा में लोगे तो आ जाएगा एक। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी भाग लगा देता हूँ, तो भाग लगाऊंगा तो देखो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये तो है अपना वाई बटा एक्स साइन वाई बटा एक्स माइनस एक, मैं ऐसा ही कर लेता हूँ, डायरेक्ट ही बटा में लिया है, तो साइन वाई बटा एक्स। अब क्या करना, अब आपको दिख रहा है, अच्छा और इसको तो क्या देना, समीकरण नंबर एक देना, फिक्स है ये तो पैटर्न कि हमेशा डीवाई अपोन डी एक्स को समीकरण एक देना। अब यहाँ वाई अपोन एक्स है, तो वाई अपोन एक्स है तो इसको क्या मानोगे भाई, वी मानोगे, तो वही काम वाई बराबर वी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका तो हो जाएगा डीवाई बटा डी एक्स, वी कॉन्स्टेंट है एक्स का हो जाएगा एक, और एक बार एक्स को कॉन्स्टेंट मान के वी का हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स, और ये जो मान है इस प्रश्न में रख देता हूँ, प्रश्न मतलब समीकरण एक में रख देता हूँ, तो रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ से, तो v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, इसको अपन ने क्या मान लिया v, तो v साइन v माइनस एक बटा साइन v, उस v को इधर भेज दीजिए, तो इधर भेजोगे तो क्या आएगा भाई, x डी वी बटा डी एक्स बराबर वी साइन वी माइनस एक बटा साइन वी, और वो इधर आके किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो अब करोगे डी वी बटा डी एक्स बराबर एल सी एम ले लीजिए, तो एल सी एम लोगे तो साइन वी
ये आएगा v साइन v माइनस एक और माइनस आ जाएगा v साइन v, कटा काट दीजिए। अब मैंने क्या बोला, अच्छा एक बार लिख लेता हूँ उसको, अक्स dv बटा dx बराबर माइनस एक बटा साइन v, v वाले एक तरफ तो ध्यान है dv ऊपर है तो v वाले इधर ही रखना, तो dv ये साइन उधर चला जाएगा तो साइन v बराबर ये हो जाएगा माइनस तो है, इस dx को आप ऊपर ले आओगे तो अक्स नीचे आ जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब करोगे तो साइन का तो दिख रहा है डायरेक्ट, क्या होता है भाई माइनस कोस वी होता है समाकलन, और इसका करोगे तो माइनस तो है वन अपॉन एक्स का हो जाता है लॉग एक्स प्लस, चाहे लॉग सी लिखो चाहे प्लस सी लिखो आंसर अलग अलग आएगा लेकिन गलत कोई सा भी नहीं है। तो देखो मैंने क्या लिख लिया, इसको लॉग सी लिख लिया, तो देखो माइनस तो है ही, कोस वी का मान रख देता हूं मैं, तो वी का मान कितना है, तो ध्यान आएगा कि v का मान है y बटा अक्ष, चलो ठीक है लिख लेता हूं मैं y बटा अक्ष बराबर ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा सरल करने के लिए अपने एक काम ऐसा भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इसको तो मैं इधर ले आता, इसको तो इधर ले आता, इधर लाते तो वो तो हो जाता किसका भाई प्लस का, ये हो जाता प्लस का, ये हो जाता माइनस का, तो ऐसा काम मैं कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा अपने इजी हो जाएगा, इजी मतलब थोड़ी दो तीन स्टेप अपने को बटन नहीं पड़ेगी ना। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैंने क्या बोला अभी, जो काम आप कर लीजिए, कोस वी को इधर लिया, मैं माइनस का था प्लस का हो गया, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस का था किसका हो गया भाई प्लस का लॉग एक्स, और ये हो गया माइनस के लॉग सी, तो लॉग एम माइनस लॉग एम, तो ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, लोग एम माइनस लोग एन, लोग एम अपोन एन बराबर कोस वी का मान में रख देता हूँ, क्या है भाई वाई बटा अक्स फिक्स है, ध्यान है अपने को। अब मैं क्या करता हूँ, लोग को हटाता हूँ, तो दोनों को एक ही घात में लगा दीजिए, तो एक ही घात में लगाओगे तो इसे लोग कट जाएगा, एंटी लोग ही तो होता है ये, है ना, जो क्योंकि बेस में ई है तो ये सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या भाई अक्स बटा सी बराबर एक ही घात कोस वाई बटा अक्स, और इस सी को मैं गुणा में भेज देता हूँ, अक्स बराबर क्या आ जाएगा भाई सी एक ही घात कोस वाई बटा अक्स, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके जो एग्जाम्पल्स है और जो क्वेश्चंस है तो उनको आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन है भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आपको कम से कम दो या तीन जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी प्रश्नावली में, उदाहरण भी है इसी प्रश्नावली का मिलेगा, और विविध में भी आपको शायद ये क्वेश्चन मिलने वाला है, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख करके जाइएगा। बाकी इसमें मैं क्या करता, ये लोग सी नहीं मान करके क्यों सी मानता, तो भी अपना ये आंसर क्या था बिल्कुल करेक्ट था, ऐसा नहीं कि अपना आंसर मैच नहीं कर रहा पीछे तो गलत हो गया, ऐसा नहीं, मैंने बोला आपको प्रश्नावली 9 में और प्रश्नावली 12 में यदि आप अलग मेथड यूज में लेते हो तो आपका आंसर भी अलग आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना आंसर गलत हो गया, आंसर बिल्कुल सही है, और इसी के चक्कर में क्या करते हैं आप कंफ्यूज होते हो और आपको लगता है कि ये प्रश्नावली अपने को आ रही नहीं है और आप उसको छोड़ देते हो, तो ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना, जो आता है वो एक बार आंसर आप लिख करके रखो, और यदि आपको डाउट लगता है जो भी आपके टीचर्स है या मेरे को आप क्या करोगे मैसेज के थ्रू आप सेंड कर सकते हो तो उनका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो आपको क्या करना, एग्जाम्पल सोल्व करना, मिसलेनियस एक्सरसाइज हो वो सोल्व करना, विविध के भी आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो उनको भी सोल्व करो और प्रश्नावली भी हल कीजिए, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।